पवन नगर गार्डन के पास मंगलवार को पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर युवक से देसी शराब का जाखिरा और दोपहिया वाहन जब्त किया। यशोधरा नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। युवक लॉकडाउन और होली के लिए अवैध शराब जमा कर रहा था। आरोपी अवैध शराब विक्रेता सूर्या बाबूराव जांबुलकर आजरी माजरी स्थित पार्वती नगर निवासी है। मंगलवार को दिन में 11:30 बजे के करीब सूर्या दोपहिया वाहन पर पोरे में देसी शराब ले जाने की गुप्त सूचना यशोधरा नगर थाने की गश्ती दल को मिली। पुलिस ने पवन नगर स्थित गार्डन के पास जाल बिछाया और बरामद नंबर का वाहन दिखाई देते ही उसे आवाज देकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन सूर्या ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर कुछ ही अंतराल पर उसे दबोच लिया। तलाशी में वाहन के पायदान पर दो बोरे में भरी हुई देशी शराब की 200 बोतलें और वाहन इस प्रकार कुल 25,000 रुपए का माल जब्त किया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News, नागपुर।